नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और डिस्कस करेंगे अडानी पावर स्टॉक के बारे में। पास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने 100% रिटर्न दिए और 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो लगभग लगभग 1000% रिटर्न कंपनी ने दिया है, यानी 10 टाइम्स कंपनी ने अपने जो निवेशक थे उसके पैसे को बनाया है। अब चूंकि इतनी बड़ी ट्रेंड हो चुकी है तो लोगों के यही क्वेरी है, क्या कि फ्रेश बाइंग किया जा सकता है, क्या होल्ड करें, एग्जिट करें, इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले किस स्टॉक में 25 जनवरी को इसके क्वार्टरली नंबर्स हैं और आगे का ट्रेंड इस नंबर पे काफी डिपेंडेबल होने वाला है। रिसेंट के अगर कामकाज में देखें तो 10 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहा था, 9 करोड़ का, और स्टॉक में डिलीवरी इसीलिए नहीं देखेंगे क्योंकि एसएम कैटेगरी 6 है उसके अंदर है, जिसके कारण हम डिलीवरी परसेंटेज को नहीं देख सकते हैं। अगर बात रही रिसेंट की डिलीवरी तो 100% ही दिखेगी, और अगर बात करें टेक्निकल ट्रेंड का तो पाएंगे कि इसके ट्रेंड पिछले 3 मंथ से में बेटर रहे हैं, 1 मंथ से स्टॉक कंसोलिडेट फॉर्म में है। इस समय स्टॉक ऐसा नहीं है वीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा कौशन बरतने की बहुत जरूरी है। अगर आपने लॉन्ग कर रखा है तो 492 के एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे क्योंकि इसके नीचे की क्लोजिंग स्टॉक को 420 और हो सकता है कि ये जो जोन दिख रहा है 320 तक के लेवल दिखे, तो 492 के एसएल को लगा करके बने रहें, जहां पहला टारगेट तो अगेन आपका 600 के आसपास का होगा और दूसरा टारगेट 682-700 प्लस तक का हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा रिस्की जोन में है तो कॉन्शियसली ट्रेड करेंगे, 492 के एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और फ्रेश बायर बचे, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ठीक है, लेकिन फ्रेश बायर को थोड़ा बचना